और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वहीं पीड़ित लड़की के परिवार ने उसकी मौत के लिए दानिश नाम के एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया है। दानिश पर असुरक्षित तरीके से अबॉर्शन करवाने का आरोप लगा इस लड़की का। आरोप है कि दानिश ने दवाइयों की ओवरडोज दी, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो गई। वहीं बीजेपी ने इस मामले में भूपेश बघेल सरकार को घेरा है और आरोपी दानिश पर धारा 302 और लव जिहाद के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं युवती के मरने से पहले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो आरोप लगा रही है कि दानिश ही उसकी हालत के लिए जिम्मेदार है। वो वीडियो में इंसाफ की गुहार लगा रही है और यहां तक कह रही है कि दानिश उसे जीने नहीं देगा। इसके बाद लड़की की मौत हो जाती है। लड़की का परिवार और बीजेपी से लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। सर, मैं एक कन्फ्यूजन और करना चाहूंगी। उसके साथ रहते रहते मेरा एक बेबी था, वो भी 2 दिन ही मेरे साथ रहा था। फिर तीसरे दिन हम लोग घर जा रहे थे और मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने साइन करवाए थे और सर वो बेबी उसी रात को दे दिया। तो बहुत रोई थी सर, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि कल ला के दे दूंगा और तुम्हारे साथ रखूंगा। सर कभी नहीं बोला। एक रूम में मेरे को ताला लगा के जाता था सर। सीजर में मेरी बीबी हुई थी, उसको एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया सर, बल्कि आगे मैं ये बोलती थी कि तुम बच्ची हो, कब लेके आओगे, जल्दी ले आओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो बेबी को दे दिए ना, और कितने बार लाएंगे। फिर एक दिन ये भी बोला सर, क्या तेरी बेबी का जलसा हो रहा है, तू भी दारू भी बैठ कर करके। और दूसरी बात ये सर, मैं गरांत लड़की हूँ सर, मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, ये लोग मुझे रियल पेरेंट्स से भी बढ़कर प्यार दिए, आज भी मेरा सपोर्ट करते हैं सर। और प्लस ये भी कि मैं इतनी गलतियों करने के बाद भी मेरे पेरेंट्स आज मेरे साथ सपोर्ट है। मम्मी नहीं है सर मेरी, भाभी, पापा और भैया है बस, इसके अलावा कोई नहीं है सर। प्लीज़ सर, मेरे को जितना हो सके उतना उस लड़के से दूर करें। बीच में ही कॉल करके परेशान किया था, दूसरे दूसरे लड़कों को मारता था, उन्हें फ़ोन करके बोलते थे तेरा दानिश भरमता है तेरे लिए। सर ये मेरी लाइफ में, मैं कुछ भी करूँ, दानिश अब भी मेरे पीछे पड़ा है। प्लीज़ सर उसको मना कर दीजिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं सिवाय मेरे।